तो आज शिक्षक दिवस देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि आज रविवार है और अभी ही कोरोना काल के बाद स्कूल जो हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में बच्चे अपने घरों पर हैं, शिक्षक भी, लेकिन जो गुरु का महत्व है वो तमाम बच्चे जो हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी गुरु का महत्व तमाम तौर पर देखा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए इस शिक्षक पर्व की तो 17 सितंबर तक ये शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 44 शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। तो पूरे देश में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसकी पहल पर एक बार फिर से आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस मौके पर शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान दिया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए पिछले साल की तरह स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षक पर्व मना रहा है। शिक्षक पर्व 2021 दरअसल वर्चुअल तौर पर आज से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक वर्चुअल कार्यक्रम में 44 शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। साथ ही इस दौरान इन सभी 44 शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और इनके नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जा रही है। ऊंचा रहता है तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत इस पर्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करीब 44 शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे, साथ ही साथ उनके सम्मान में एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है। वहीं बाराबंकी जिले में कोटेदारों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर टिकैत नगर कस्बे में एक बैठक की है। इस मौके पर सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के सभी कोटेदार इकट्ठा हुए। सभी कोटेदारों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है और समस्या के समाधान की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा है कि हम कोटेदारों को 70% बोरी पर कमीशन मिलता है जो कि ना के बराबर है। खाद्यान्न का भाड़ा 12 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। डीजल महंगा होने के चलते भाड़ा अब 30 रुपए प्रति क्विंटल लग जाता है। ऐसे में सभी कोटेदारों को दुकान चलाने में काफी समस्याएं आ रही हैं। कोटेदारों ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत हम राशन विक्रेताओं को कमीशन दिया जाए ताकि हम लोगों को कोई समस्या ना हो। तस्वीरें बाराबंकी से सामने आई हैं जहां अपनी मांगों को लेकर कोटेदार जो हैं वो एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वन नेशन वन राशन के तहत उनको भी आगे बढ़ावा दिया जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए। जो सरकार द्वारा समय समय पर लाभांश और इसमें जो बढ़ोतरी की जाती है महंगाई आदि के कारण, उसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। लाभांश जो मिल रहा है वो बहुत ही कम है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षा योजना है। कोई भी भूखा पेट न सोए, जिसको हम लोगों के माध्यम से संचालित किया जाता है। अब हम लोग सभी को गल्ला पहुंचाते हैं, राशन पहुंचाते हैं, खाद्यान्न पहुंचाते हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, दो दो बार राशन वितरण किया। इतनी महंगाई होने के बावजूद आज भी हम लोगों को पुराना ही लाभांश दिया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे, दरअसल कोटेदारों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के बैनर तले ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर एक बैठक की है। इस मौके पर सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के सभी कोटेदार इकट्ठा हुए। उनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें भी कमीशन जो है वो कम मिलता है, उनका कमीशन बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें दुकान चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन विक्रेताओं को कमीशन दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। फतेहपुर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के प्रयागराज हाईकोर्ट के दिए गए सुझाव पर स्वामी
परमानंद गिरी महाराज ने सहमति जताई है। जिले के मोईवई धाम गांव के अपने आश्रम में पहुंचे स्वामी परमानंद महाराज ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी लगातार दूषित हो रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गाय के गोबर के खेती में इस्तेमाल करने से जमीन की उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ती है, जिसके चलते गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गंगा को जल और गाय को पशु मानना अच्छा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इसका स्थान देवी देवताओं की तरह है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग चरम पर है और लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में परमानंद गिरी महाराज जो हैं वो भी इसके समर्थन में आए हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वो धार्मिक दृष्टि से तो महत्व की है ही, ये कृषि प्रधान देश है इसलिए गाय बहुत आवश्यक है। और आज जो खेती में खाद पड़ रही है वो जमीन की उर्वरक शक्ति को ख़त्म कर रही है और जमीन रेहू बनती जा रही है, इसलिए गोबर भी बहुत आवश्यक है। और जो गुण गाय के गोबर में, असल में शब्द ही है गोबर, भैंस भर नहीं लिखा, गाय का ही श्रेष्ठ होता है, आदमी का भी श्रेष्ठ नहीं होता। आदमी के उससे कोई अपनी रसोई नहीं लीप सकता। तो फतेहपुर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के प्रयागराज हाईकोर्ट के दिए गए सुझाव पर स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने एक सहमति जताई है। जिले के मोवई धाम गांव के अपने आश्रम में पहुंचे स्वामी परमानंद महाराज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि उसे घोषित किया जाना चाहिए राष्ट्रीय पशु, क्योंकि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी लगातार दूषित हो रही है। ऐसे में भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमेशा से ही रहा है, और गाय के गोबर की खेती में इस्तेमाल करने से जमीन की उर्वरक क्षमता जो है वो लगातार बढ़ती है, जिसके चलते गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि गंगा को जल और गाय को पशु मानना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इसका स्थान देवी देवताओं की तरह है। दरअसल हाई कोर्ट ने ये फैसला रखा था, जिसको लेकर तमाम जो सनातन धर्म के लोग हैं उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है और वो इस समर्थन में है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला उन्हें लेना चाहिए। वहीं परमानंद गिरी महाराज का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गौना में जिला योजना समिति की बैठक करने पहुंचे केसरगंज सांसद और जिला योजना समिति के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने तालिबानी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर तालिबान भारत के बारे में कुछ सोचेगा तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। भारत में अगर लोग उनका समर्थन करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा ही। वहीं सपा की तरफ से गौशालाओं के ऊपर उठाए जा रहे सवाल को लेकर बीजेपी सांसद ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा समर्थक सबसे ज्यादा गौशालाओं में से जानवरों को छोड़ने का काम कर रहे हैं। जब गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर इसको लोग बांध लेते हैं। वहीं राहुल गांधी की तरफ से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर दिए जा रहे बयान पर पलटवार करते हुए वो कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई भी नेता सीरियस नहीं लेता, तो केवल सवाल पूछना जानते हैं, सवालों का जवाब देना नहीं। तो गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। लगातार वो विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। दरअसल यहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सपा लगातार गौशालाओं को लेकर सवाल उठा रही है तो सबसे ज्यादा सपा सरकार में ही गायों को खुला छोड़ा गया। तो गोंडा में जिला योजना समिति की बैठक करने पहुंचे थे सांसद केसरगंज से जो हैं और जिला योजना समिति के अध्यक्ष भी हैं ब्रजभूषण सिंह। तालिबान को लेकर पहले वो कहते हैं कि तालिबान अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है या भारत के बारे में कुछ भी गलत सोचता है तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और भारत में अगर लोग उसका समर्थन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा ही। सपा को लेकर उनका कहना है कि गौशालाओं पर सपा लगातार सवाल उठा रही है। सवाल को लेकर बीजेपी सांसद ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा समर्थक सबसे ज्यादा गौशालाओं में से जानवरों को छोड़ने का काम कर रहे हैं, और जब गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर इसको लोग बांध लेते हैं।
राहुल गांधी को लेकर। वो कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, कोई भी नेता सीरियस नहीं लेता है, तो वो सिर्फ केवल सवाल पूछना जानते हैं, जवाब देना नहीं। और गोंडा से मेरे सहयोगी राम मंगल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये सांसद जो है बीजेपी के लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष पर गौशालाओं को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आए हैं। जी जी बिल्कुल, बता दें आपको, गोंडा जिले के कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने कल निगरानी समिति की बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि गौशालाएं जो है वो फर्जी समाजवादी पार्टी वाले अफवाह फैला रहे हैं, सभी गौशालाएं संचालित हैं, सुचारू रूप से चलती हैं, ये जो गायें हैं समाजवादी पार्टी के लोग रात में छोड़ देते हैं और उन्हीं के जानवर घूमते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। हालांकि अगर बात की जाए गौशालाओं की, हम देख रहे हैं कई गौवंशों की मौत हो रही है, कई गायों की मौत हो रही है और उनको यूं ही उनके शवों को फेंक दिया जा रहा है, क्या इस पर कोई सच्चाई नहीं है? क्या ये भी विपक्ष कर रहा है? जी बिल्कुल, गोंडा के अंदर तमाम ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर अव्यवस्थित हैं और सुचारू रूप से नहीं चल रही है, एक दो गौशालाओं को छोड़कर जितनी भी गौशालाएं हैं उनका बद से बदतर हालात है, और वहां पे जो गौवंश हैं बिल्कुल आप जिस तरह से बता रही हैं, आप अगर गौशाला में जाइए तो एक आध जानवर जरूर मरा हुआ मिलेगा वहां पे, और उसके अवशेष तमाम इधर उधर पड़े मिलेंगे, अव्यवस्थित तो है। हालांकि ये सांसद बृजभूषण सिंह ने जो आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी से, ये कहीं ना कहीं एकदम निराधार ही है। बिल्कुल राम, यहाँ पर बृजभूषण जी हैं वो के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है और सपा पर भी वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, सपा खुद ही गाय को छोड़ देती है और उसके बाद जो गाय हैं वो सड़कों पर घूमती हुई नजर आती हैं, लेकिन सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं 4.5 सालों से, आप 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, गायों की जो बदतर हालत है वो गौशालाओं में लगातार नजर आती है, बजट में भी गायों का जिक्र अलग से होता है, उनके लिए अलग से फंड होता है, इसके अलावा पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, गायों की देखरेख के लिए उचित व्यवस्था हो, लेकिन शायद अधिकारी उसे सीरियस नहीं लेते हैं, तो यहाँ गलती क्या सरकार की नहीं है? जी बिल्कुल, इसमें सरकार की पूरी गलती है, और खास करके जो अधिकारी हैं जो ग्राम सभा स्तर पे इनकी समिति बनी है वो समिति ही गलत बनी हुई है, जिसमें वहां पे बंदरबांट होता है पैसे का और अधिकारियों के ही मिलीभगत से जहां तक है जो भी गड़बड़ी होती है वो होती है, अगर अधिकारी टाइट होंगे और वो बराबर जांच करेंगे सही रूप से तो निश्चित रूप से गौशालाएं सही चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो उस समिति में है उन्हीं की ढिलाई होने के कारण ये गौशाले जो है इस तरह से चल रही है बद से बदतर हालात में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजमंगल। तो यहाँ पर गोंडा पहुंचे थे बृजभूषण शरण सिंह और यहाँ पर वो विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए हैं, गौशालाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इस पूरी कोशिश पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। गुजरात में सालों से चली आ रही परंपरा के हिसाब से भादरवी मास में मां आदिशक्ति अंबाजी के दर्शन के लिए लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अंबाजी यात्रा धाम के दर्शन के लिए आते हैं, तो वहीं चल रहे भादर मास को लेकर गुजरात के अलग अलग शहरों से लोग पैदल चलकर अंबाजी पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके चैनल स्क्रीन पर है। वहीं गुजरात के लीनखेड़ा गांव से लोग पैदल 151 सदस्यों के साथ अंबाजी 1111 गज की ध्वजा लेकर अंबाजी मंदिर पहुंचे और लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए हजारों की संख्या में मंदिर परिसर में लाइन लगाकर मां आदिशक्ति के दर्शन के लिए लगे हुए हैं। तो गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मां आदिशक्ति के दर्शन को भीड़ उमड़ पड़ी है भक्तों की, हालांकि कोविड नियमों का यहाँ पालन जरूर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो ध्वज है ये आदिशक्ति के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भीड़ भी देखी जा सकती है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पर जो कोरोना नियम है उनका भी पालन करते हुए लोग
नजर आ रहे हैं। मुंह पर मास्क भी लगाए हुए हैं लोगों ने और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी लोग यहाँ पहुंचे हैं दर्शन के लिए। हालांकि पिछले साल थोड़ी सख्ताई थी, इस बार थोड़ी सी ढील दे दी गई है, लेकिन कोरोना के जो नियम है उनका पालन भी जरूरी है। तो गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, माँ आदिशक्ति के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। मंदिरों में जगह जगह पर कोरोना गाइडलाइंस के जो नियम हैं, जो फॉलो करने हैं, उनको लेकर जगह जगह साइन बोर्ड लगा रखे हैं और लोग खुद भी मुंह पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा के कस्बे रजबपुर में बीती रात हुई महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति फाजिल को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पति को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मृतक के भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो अमरोहा से खबर सामने आई है जहां पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जो पति है वो अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्नी की हत्या करके मौके से फरार हो गया था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो अमरोहा से खबर सामने आई है जहां पर अवैध संबंधों के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि उसने गोली भी चलाई है, धारदार हथियार से हमला भी किया है। ऐसे में पुलिस लगातार आरोपी पति को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लगातार पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए चोरी, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। वहीं चोरी का एक ताजा मामला आगरा के कमाल नगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी इको गाड़ी चुरा ली। वहीं ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आगरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद आगरा में होते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।